नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube प्लेटफॉर्म GS बाई नीरज सर में। आज हम लोग विश्व भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं और जिनके अगले एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। 50+ क्वेश्चनों का सेट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, बट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डार्क स्टार। जी, बी इज द राइट आंसर। इसे व्याधि तारा या डार्क स्टार तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? जी, अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो अरब सागर सबसे पहले देख ही लेते हैं। तो जो भारत का ये वाला पोर्शन है, जी, पाक के साइड वाला पोर्शन, कच्छ के रण से और नीचे हिंद महासागर तक का जो क्षेत्र है, इसे हम लोग अरब सागर के नाम से जानते हैं। तो लक्षद्वीप जो है वो कुछ इस पॉइंट पे पड़ता है, इसलिए लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित होगा। थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, फिनलैंड की राजधानी क्या है? अगर विश्व भूगोल की बात करें तो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो राजधानी, संसद, मुद्रा या उसका कोई स्पेशल त्यौहार हो या स्पेशल जनजाति हो, उससे क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं, तो उन्हें ध्यान रखें। जैसे फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो हेलसिंकी। जी, हेलसिंकी फिनलैंड की आधिकारिक तौर पे राजधानी है। फिनलैंड है कहाँ का? तो उत्तरी यूरोप के फिनिश के नोडियन क्षेत्र में स्थित है। ठीक, तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है फिनलैंड और इसकी राजधानी है हेलसिंकी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अर्जेंटीना की राजधानी पूछ लिया गया। जी, अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी होगी? तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स इज द राइट आंसर। जी, ब्यूनस आयर्स कहाँ की, कहाँ मतलब किस महाद्वीप का क्षेत्र है? तो ये दक्षिणी अमेरिका। जी, दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है जी अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। राज्य राजधानी से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यूरेनस सूर्य से फिर खाली स्थान ग्रह है, तो यूरेनस का क्रम पूछा गया है कि सूर्य से किस क्रम पे यूरेनस आता है। तो यूरेनस जो है सूर्य से 7वें नंबर क्रम पे आता है, क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर यम। जी, तो यूरेनस जो है 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। जी, 7वें नंबर पे आएगा। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, अक्सर लोग इसे गलत करके आए हैं। तो पुर्तगाल किस गणराज्य में पड़ता है? तो ये भी यूरोप का एक अच्छा सा देश है। ठीक, तो पुर्तगाल की जो राजधानी होगी लिस्बन। जी, लिस्बन इज द राइट आंसर। 50+ क्वेश्चनों का सेट है। कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्राग, प्राग कहाँ की राजधानी है, यही पूछा गया है। तो ये तो सबको पता होगा, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग थी। जी, उसके बाद बात करें तो कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये SSC CHSL में पूछा गया है, कौन सा देश गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये नाम बताना है। तो गेहूं का जो उत्पादक है वो प्रथम स्थान पे आएगा चीन, प्रथम स्थान पे चीन आएगा। और दूसरा स्थान किसका है? तो भारत दूसरा और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा। सेकंड स्थान पे भारत है और तीसरे स्थान पे USA। जी, ध्यान रखें। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, तो फोर्थ इज द राइट आंसर, चीन। जी, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, मैड्रिड की राजधानी है, तो मैड्रिड किसकी राजधानी है ये बताना था। तो मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। जी, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनटों में पहुंचता है? अक्सर लोगों को इसका आंसर पता होता है, क्योंकि इसका ऑप्शन ही ऐसा दिया है कि इसका राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, 8 मिनट 16 सेकेंड।
जी 16.6 सेकेंड लगता है, लेकिन 8 मिनट इसमें आंसर दिया है, इसलिए 8 मिनट। अगले क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। अब पृथ्वी के बारे में एक ऐसा बात लिखा गया है 4 ऑप्शनों में जो गलत है, जैसे यह सबसे घना ग्रह है, यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यह लाल ग्रह भी कहा जाता है, यह सूर्य से 3रा बड़ा ग्रह है। तो लाल ग्रह किसका नाम है, आप लोग जानते होंगे, लाल ग्रह मंगल का नाम है। जी लाल ग्रह मंगल, तो यही ऑप्शन गलत होगा। जी लाल ग्रह क्योंकि मंगल को कहते हैं, वहाँ फेरस ऑक्साइड की प्रचुरता रहती है, इसलिए लाल ग्रह, यही 3rd वाला पोर्शन गलत होगा। पृथ्वी के बारे में गलत बात बतानी थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, आयरलैंड की राजधानी क्या है। तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन, जी डबलिन इज द राइट आंसर, यह आयरलैंड की राजधानी है। उत्तर पश्चिमी यूरोप का एक द्वीप है आयरलैंड, उसकी राजधानी डबलिन है। जी क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, यूनान की राजधानी क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा यूनान का सही आंसर होगा, यूनान की राजधानी बताना है। तो एथेंस, जी एथेंस 3rd इज द राइट आंसर, यूनान की राजधानी एथेंस। जी क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सियोल की राजधानी है। तो सियोल किसकी राजधानी है, जी जल्दी बताएं, दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जो कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी अर्धभाग को घेरे हुए है। शांत सुबह की भूमि, ख्याति प्राप्त इस देश में, पश्चिम में चीन है, पूर्व में जापान है, उत्तर में कोरिया है, इसकी राजधानी कौन सी होगी। तो सियोल जो है वो दक्षिण कोरिया की राजधानी है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। जी क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, उस प्रथम उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन के लिए समर्पित किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, GSAT-3 से इसे हम लोगों ने लॉन्च किया था, ये पाठशाला स्तर के उच्च शिक्षा को सुदूर शिक्षा के लिए बनाया गया था। तो इसका नाम है EDUSAT, EDUSAT 3rd इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, एम्स्टर्डम की राजधानी है, एम्स्टर्डम किसकी राजधानी होगी, तो ये बताना है। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, बी इज द राइट आंसर। कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौरमंडल में स्थान है। तो बृहस्पति सबको पता होगा आकार के मामले में नंबर 1 पे है, इसलिए पहला स्थान होगा। जी क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, बुध सूर्य से ग्रह है। अब इसका क्रम पूछा गया है, तो बुध कौन सा ग्रह होगा, बुध के बाद ही स्टार्ट होता है शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, तो बुध जो है पहला ग्रह माना जाएगा। जी इसका क्रम कई बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, माले राजधानी है, तो माले मालदीव की राजधानी है, जी बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, पहले ही डॉटेड लाइन दी गई है, यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेट सॉल्व कर रहे हैं जो 50+ क्वेश्चनों का सेट है। अगर अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पे फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ पहुंच सके। एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ये परिभाषा दी गई है, किसकी परिभाषा दी गई है ये बताना है। तो जो नक्षत्र वर्ष होता है, एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिया गया बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय ही नक्षत्र वर्ष कहलाता है। जी तो ये नक्षत्र वर्ष की परिभाषा दी गई थी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे 4 क्वेश्चन क्लियर होंगे। जी उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है, तो उसका आंसर 21 जून। जी 21 जून, बट इससे जो 4 क्वेश्चन बनते हैं, 21 जून वह दिन है जिस दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है तथा सूर्य जो है अधिक देरी तक
अधिक देरी तक अपनी किरणें पृथ्वी पर डालता है। लेकिन अगर इसके विपरीत की बात कर ली जाए तो 22 दिसंबर 22 दिसंबर डी सी 22 दिसंबर वह साल का दिन है जो सबसे छोटा जी सबसे छोटा दिन होता है। साल का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, साल का सबसे बड़ा या सबसे लंबा दिन 21 जून। उसी के साथ साथ ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है जो एक समान होती हैं, जैसे दिन और रात बराबर होती हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रातें बराबर होती हैं, क्योंकि उस समय सूर्य कहाँ चमकेगा, भूमध्य रेखा पे, तो वहाँ पे दिन और रातें बराबर होंगी। 21 मार्च 23 सितंबर, ध्यान रखें चार क्वेश्चन क्लियर हुए। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होती है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, 21 जून को सबसे बड़ा या लंबा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, नहरों का देश किसे कहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पड़ोसी राज्य पाकिस्तान जी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उसमें दो गुना बड़ा नहीं है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुने, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दो गुना बड़ा नहीं है तो वह एक परिवर्तित हो जाएगा, किसमें। चार ऑप्शन दिए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का सेट है ये, जरूर देखें एक बार, तो पल्सर में परिवर्तित हो जाएगा जी, पल्सर में परिवर्तित हो जाएगा। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह एक पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में किस क्रम पे आती है, तो इससे पहले भी कई ग्रहों के बारे में पूछा जा चुका है, तो यानी वर्ल्ड जो हिस्ट्री है या वर्ल्ड जियोग्राफी की बात करें तो उसमें या तो देश राजधानी संसद मुद्रा पूछा जाता है, या फिर सूर्य से क्रम पूछ लिया जाता है, या उनका चक्रमण काल पूछा जाता है। तो आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में किस क्रम पे आती है, पांचवें क्रम पे आती है जी, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा में अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को हम लोग अग्रवर्षा कहते हैं जी, अग्रवर्षा कहते हैं, अग्रवर्षा की परिभाषा ही दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिवर्ष 1915 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, 1915 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो वो थे अल्फ्रेड वेगेनर, अल्फ्रेड वेगेनर साहब ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1915 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम बताइए, तो सबको पता होगा प्रशांत महासागर, सबको इसका आंसर तो सबको आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, शनि सूर्य से किस क्रम का सबसे बड़ा ग्रह है, तो शनि, फिर याद कर लें, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, यानी छठवां सबसे बड़ा ग्रह है, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे ठंडा ग्रह के बारे में बताना है, तो वरुण जो है हमारे सौरमंडल में सूर्य से आठवां ग्रह है, व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा है, और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है, और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण जो यूरेनस है उससे थोड़ा अधिक है। यह सबसे बड़ा ग्रह है, खगोलीय इकाई के हिसाब से वरुण की कक्षा सूर्य से 30.1 खरब ईसा की औसत दूरी पर है, यानी वरुण जो है पृथ्वी के मुकाबले में सूरज से लगभग 30 गुना अधिक दूर है, तो वरुण सबसे ठंडा ग्रह, वरुण जी, थर्ड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32,
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले व्यक्ति तो कॉपरनिकस साहब। इसका आंसर भी सबको आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, आकार के संदर्भ में मंगल हमारे सौरमंडल में किस स्थान पे है? तो आकार के संदर्भ में जो है मंगल की बात की जाए तो मंगल जो है सौरमंडल में सूर्य के चौथा, सूर्यमंडल से चौथा ग्रह है तथा आकार में सातवां ग्रह है। अगर आकार की बात कर ली जाए तो सातवां, और अगर क्रम की बात कर ली जाए तो ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। इसके दो उपग्रह बहुत फेमस हैं, फोबोस और डीमोस। और जो मंगल है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 687 दिन में मंगल जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, मंगल सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक, और ये आकार के बारे में पूछा गया था तो सूर्य से चौथा ग्रह है लेकिन आकार में सातवां ग्रह है जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 की बात की जाए, वसंत ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं जी, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की बात की जाए, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डबरिन होगी। ऑस्ट्रिया है और ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, जबकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है हो जाएगी डबरिन, डबरिन। ठीक, याद रखें, कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, आकार के अनुसार शुक्र हमारे सौरमंडल में किस क्रम पे आता है? इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, छठवां क्रम। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी केनबरा जी। सरकारी तौर पे ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल दक्षिण गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है। यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक ही साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38, किस देश में कोयले का सर्वाधिक भंडारण है? तो सबसे ज़्यादा अगर भंडारण की बात करें तो यूएसए में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है? तो सबसे छोटा भूमि क्षेत्र जो महाद्वीपों में है वो है यूरोप, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, प्लूटो की खोज किसने की थी? तो टेम्बो जी, क्लाइड टेम्बो साहब ने प्लूटो ग्रह की खोज की थी। ठीक, खगोल शास्त्री क्लाइड टेम्बो ने 1930 में खोजा था। यह एक बौना ग्रह है तथा हमारे सौरमंडल में बहुत किनारे पर स्थित है। प्लूटो पर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 5.5 घंटे लगते हैं, जो कि पृथ्वी पर पहुंचने में लगे समय 8 मिनट के बहुत ही ज़्यादा है। प्लूटो हमारे चंद्रमा के आकार का 2/3 है और बेहद ठंडा है। क्वेश्चन नंबर 41, इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसका नाम था आर्यभट्ट जी, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। इसी नाम से महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम से नामित किया गया था। सोवियत संघ ने इसे 19 अप्रैल 1975 को कॉसमॉस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्तु पुनीत यान से प्रक्षेपित किया था तथा यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष का उपग्रह संचालन में अनुभव प्राप्त करने हेतु बनाया गया था। तो आर्यभट्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, संगमरमर की एक कायंत्रित चट्टाने हैं? तो संगमरमर जो है चूने पत्थर की एक कायंत्रित चट्टाने हैं, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए? तो शुक्र, जिसे पृथ्वी की भगनी, भोर का तारा, सुबह का तारा आदि नामों से भी जाना जाता है। येलो नदी यानी पीली नदी किस देश से गुजरती है? तो चीन से गुजरेगी, एकदम राइट आंसर। चीन से येलो नदी गुजरती है। येलो नदी का नाम जानते हैं ना, हांगहो नदी को हम लोग पीली नदी भी कहते हैं। चीन से होकर बहने वाली एक नदी है, लंबाई के हिसाब से विश्व का सातवां स्थान रखती है जी, येलो नदी या हांगहो नदी, हांगहो। ठीक, तो हांगहो नदी या येलो नदी ये चीन से बहती है और क्रम में ये सातवां स्थान रखती है विश्व में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 की बात की जाए, म्यांमार की राजधानी बताइए? तो म्यांमार की राजधानी इससे पूर्व रंगून भी थी, ध्यान रखना, म्यांमार की राजधानी इससे पूर्व रंगून भी थी
म्यांमार जो है दक्षिण एशिया का एक देश है। इसका पुराना अंग्रेजी नाम ब्रह्मदेश या बर्मा भी था। यहाँ में सर्वाधिक बहुल वामा जाति के नाम पर रखा गया था। इससे पूर्व में चीन, पश्चिम में भारत, बांग्लादेश एवं हिंद महासागर, दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया देश स्थित है। यह भारत एवं चीन के बीच एक ऐसा रोधक राज्य भी की तरह काम करता है। राजधानी नपिया दियू और सबसे बड़ा शहर का देश यांगोन है। इसका पूर्व नाम रंगून भी था। म्यांमार का पूर्व नाम रंगून भी था। वर्तमान राजधानी नेपिया दाओ, नेपिया दाओ इसकी वर्तमान राजधानी है। पूर्व नाम रंगून भी था। पूर्व नाम जी। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन कहा जा सकता है। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किस दो देशों के बीच है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेटेस्ट डाटा के हिसाब से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कनाडा और यूएसए, सबसे बड़ी रेखा कनाडा और यूएसए जी, कनाडा और यूएसए सबसे बड़ी रेखा बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47, बगदाद इराक की राजधानी, इराक की राजधानी बगदाद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात की जाए, न्यूजीलैंड की राजधानी तो वेलिंगटन, सबको पता रहा होगा ये, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 49, नॉर्वे की राजधानी क्या है? जल्दी बताएं, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो जी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, लंदन की राजधानी, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन जी, फोर्थ इज द राइट आंसर। लंदन इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी, सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के दक्षिण पूर्व में टेम्स नदी पर स्थित लंदन दो सदियों के लिए एक बड़ा समझौता रहा है। यह रोमनों द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें लोडिनम नामित किया गया। लंदन का प्राचीन केंद्र लंदन शहर इसके था। इसकी 1.12 वर्ग मीटर मध्ययुगीन सीमाओं को बड़ा पैमाने पर रखती है। कला, वाणिज्य, शिक्षा, मनोरंजन, फैशन, वित्त, स्वास्थ्य देखभाल, मीडिया, पेशेवर सेवा, अनुसंधान एवं विकास, पर्यटन एवं परिवहन के लंदन एक मुख्य वैश्विक शहर है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, मंगल ग्रह सूर्य से किस स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर आएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल चौथा। मंगल से लगभग ये चौथा क्वेश्चन होगा जी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52, लेना नदी किस देश से होकर बहती है? अब लेना नदी के बारे में मत पूछना है, किस देश से होके बहती है। तो लेना नदी कहाँ से बहेगी? तो लेना नदी जो है उत्तरी एशिया की पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र से एक नदी है, जो दुनिया की 11वीं सबसे लंबी नदी है। लेना नदी दुनिया की 11वीं सबसे लंबी नदी है। येनिसेप नदी और ओब नदी के साथ, येनिसेप नदी और ओब नदी के साथ यह आर्कटिक सागर में बहने वाली तीसरी महान साइबेरियाई नदी मानी जाती है। पूरी लंबाई इसकी 4472 किलोमीटर है। पूरी लंबाई की बात करें 4472 किलोमीटर, ठीक। और अगर बात की जाए तो यह जो है पूरी तरह से रूस के अंदर बहने वाली लंबी नदी है। तो ये लेना नदी रूस में बहती है। टोटल लंबाई इसकी 4472 किलोमीटर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 की बात की जाए, गोभी मरुस्थल के बारे में पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? तो इसका जो एक भाग है गोभी मरुस्थल का, चीन के कब्जे में वाला तिब्बत क्षेत्र और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व में सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोभी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, जहाँ तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है। गोभी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भागों में फैला हुआ है। यह मरुस्थल संसार के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोभी एवं मंगोलियन, गोभी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित स्थान। आजकल गोभी मरुस्थल एक रेगिस्तान है, जबकि प्राचीन काल में यह ऐसा नहीं था। इस क्षेत्र के बीच बीच में समृद्धशाली भारतीय बस्तियां बसी हुई थीं। गोभी मरुस्थल पश्चिम में पामीर से पूर्वी पहाड़ियों से लेकर पूरब में खिंगन पर्वतमालाओं तक तथा उत्तर में अल्ताई, खंगाई तथा याबलो नोई पर्वतमालाओं से लेकर दक्षिण में अल्तनाई तथा नानसान पहाड़ियों तक फैला है। यह मरुस्थल पश्चिम भाग तारिम बेसिन का एक हिस्सा था थी। तो गोभी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया के बीच पाया जाता है। डी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें जी,
एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अभी आपने पूरा देखा डाटा, गोभी मरुस्थल मंगोलिया और चीन के बीच स्थित है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 54 क्वेश्चनों में आप कितने क्वेश्चनों का सही आंसर जानते थे ये भी ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।